हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय महेश आर्य जी हमें संबोधित करेंगे। आप खड़े होकर एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान करेंगे, जोरदार तालियों। वैसे मुख्य अतिथि का जो जिम्मेदारी होती है और उनको मौका बाद भी मिलता है, समय तब तक कम बचता है, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट मौके पर जो विषय है इसके ऊपर पूरी जानकारी आ जानी चाहिए, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग हमें ज़रा समय दे दें। जी सर, पूरा समय है भाई, पूरा। तो सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे महान संतों गुरुओं को नमन और वंदन करते हुए आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश की भावी प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी के 63वां जन्म दिवस के मौके पर हमारे बीच में जो प्रसंग की तरफ से जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इस मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित प्रदेश के प्रभारी और दिल्ली प्रदेश के हर स्तर पर काम करने वाले हमारे कर्मठ जुझारू हमारे साथी आदरणीय श्री सीपी सिंह जी, दूसरे प्रभारी श्री वीरपाल इंजीनियर साहब और मंच पर बैठे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी साहब, हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे मार्गदर्शक चौधरी गौतम साहब, मंच के यहाँ पर उपस्थित इस महाप्रसंग के चेयरपर्सन साहब और हमारे भारती जी, हमारे हमको यहाँ पर इस कार्यक्रम के विशेषकर काफ़ी समय से 25 साल से इस संघ को चलाने वाले और जैसे उन्होंने बताया जिम्मेदारी निभाने वाले समाज की आदरणीय श्री केपी चौधरी साहब और यहाँ उपस्थित सम्मानित सभी प्रसंग के और बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, भाई और बहनों, आज हमारे साथियों की तरफ से राजनीतिक क्षेत्र में तमाम विषय जो चल रहे हैं वो उसके विषय में लोगों के ख्याल आपके सामने आए। आदरणीय श्री केपी सिंह चौधरी के द्वारा कई बार बीच बीच में ये रखा गया है कि इसका विषय जो आज वो बहन जी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्मेलिटी किया हो जाने, एक रिश्ता जोड़ने के लिए है। ये महाप्रसंग का बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज से एक रिश्ता जोड़ने के लिए एक कड़ी का काम कर रहा। बीच में काफ़ी समय रहा जिससे ये बीच में गैप बने रहे, जो भूमिका अदा करनी चाहिए, जो सहयोग करना चाहिए वो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, लेकिन आज उन्होंने जो शुरुआत की है, मैं इसके लिए पूरे प्रसंग के तमाम सम्मानित पदाधिकारियों को मैं अपने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और इस मूवमेंट की तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें धन्यवाद भी प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने मुझे इधर आने का मौका दिया है। यद्यपि इससे पहले भी श्री चौधरी साहब ने मुझे मौका दिया था, जब मैं इधर जिम्मेदारी के रूप में, इधर प्रभारी के रूप में आया था, बीच में एक अवसर और दिया था। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के साथ मेरा बहुत पुराना संबंध है, लंबे अरसे से जहाँ भी जिम्मेदारी देती हैं पूरे देश में मैं निभाने का काम करता हूँ। तो बीच में पिछले बार जब कोई कार्यक्रम रखा गया था, हालांकि सहर्ष मैंने उनको स्वीकृति प्रदान की थी कि मैं उसमें आऊँगा, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं उसमें नहीं आ पाया, चूँकि मध्य प्रदेश के इलेक्शन में बिजी था। दूसरा कार्यक्रम आया, उन्होंने मुझसे अभी परसों ही उन्होंने चर्चा किया, तो साथियों मैंने स्वीकृति प्रदान कर दी, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मुझे यहाँ आते आते भी तमाम फोन ऐसे भी आए कि आपको वहाँ नहीं जाना है। मैं पूछना समझ सोच नहीं सक पा रहा था, स्वीकृति मैंने दे दी है और मुझे ये भी पता चला कि मुझे ही चीफ गेस्ट बनाया है, तो मैं जानना चाहता हूँ, इस सवाल का जवाब खोज रहा था कि आखिर ये वजह क्या है, क्यों लोग मुझे दिल्ली से फ़ोन करके कह रहे हैं आपको नहीं जाना। मैंने कि कोई बात नहीं, मैं आया, अपने साथियों से चर्चा किया, आप इसमें भी बैठे, तो ये बीच में जो कारण है, क्योंकि मैं तो दिल्ली में अभी बीच में फिर भी काफ़ी समय हो गया समझने में, और जब से मैं आया हूँ तकरीबन 8-9 महीना हो गया है, मुझे अनुभव बीच में तमाम हमारे साथियों के बीच में अनुभव रहा, मुझे भी सीखने का अच्छा बुरा जिस तरह से अनुभव रहे बामसेब का भी और BSP का। तो साथियों मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्रसंग, 45 लाख कर्मचारी अधिकारी उसमें लगे हों, बहुजन समाज का ये मूवमेंट जो एक नई आज़ादी का सपना देख रहा है,
जो बहुजन समाज की नेता बहन कुमारी मायावती जी के रूप में एक नया प्रधानमंत्री देखना चाहता है। फिर आपस में दूरियां क्यों, आपस में एक साथ मिक्सअप क्यों नहीं है, एक दूसरे का सहयोगी क्यों नहीं। मानवर कांशीराम साहब ने तो शुरुआत ही यहीं से की, इस मूवमेंट की बुनियाद ही आप ही लोग से की, और उसका बुनियाद का आज भी ऐतिहासिक इतिहास है कि बिल्डिंग खड़ी होती है, बुनियाद की जो ईंट होती है पत्थर, वो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जब दिखाई पड़ती है तो उसमें लोनी लग जाती है। देखा आपने, एक ईंट जब अगर दिखाई पड़ जाती है बाहर तो उसमें लोनी सी लग जाती है, एक ऐसी बीमारी लग जाती है, गल जाती है और बिल्डिंग धरा चली जाती है। तो साथियों, ये हमें देखना होगा कि जिन संगठन के ऊपर, जिन साथियों के ऊपर जो बुनियाद के पत्थर हुआ करते थे, बुनियाद की ईंट हुआ करते थे, तो उन्होंने बोझ उन्हीं के ऊपर होता है निश्चित रूप से, लेकिन उससे निकलने की कोशिश की कि हम भी दिखाई पड़े तो वहाँ कमजोरी आई। तो साथियों, ये विषय रहा। मैं समझता हूँ कि अगर बहन कुमारी मायावती जी के लिए, अगर हमें देश को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, अगर हमारे यही कर्मचारी ईमानदारी से खड़े हो जाएंगे तो बहन जी को किसी के दूसरे के सामने हाथ फैलाने की कभी जरूरत नहीं। बहुजन समाज का मूवमेंट, पार्टी नेता और ये हमारे साथी एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक इस बात का एहसास किसी प्रभारी को नहीं होगा, मिक्सर नहीं हो पाएगा, समावेश नहीं होगा, समायोजन नहीं हो पाएगा, समरसता नहीं होगी। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस मूवमेंट में कि बाम सेफ में, DS4 में और जो आज बहुजन समाज पार्टी के लोग में, तीनों संगठनों में मुझे काम करने का अवसर मिला। इसलिए मुझे पता है कि सबकी मार्मिकता क्या है, बाम सेफ की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं उसका भी प्रेसिडेंट रहा, संयोजक रहा हूँ, बड़े स्तर पर रहा हूँ। DS4 का जमाना आया था, उस समय भी रहा हूँ और आज BSP में कार्यकर्ता के रूप में पूरे देश में काम करता हूँ। मुझे सबका समझ है, लेकिन जिन साथियों को पूरी समझ नहीं है और जब उनको कोई पद मिल जाता है तो उनको नीचे की जानकारी नहीं होती, ये उनका कसूर नहीं समझता। तो तमाम साथी आए जिन्होंने इस खाई को पाटने की कोशिश नहीं की, इसलिए दिक्कतें आई। तो मैं चाहूँगा, मैं इधर आया तो आज ही मेरे लिए कसौटी थी, मेरे जो भी होगा, हमको इस समाज को छोड़ करके, इस दूर को जो क्रीमलियर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, जिसकी बदौलत ये बहुजन समाज पार्टी एक दर्द बना है, बहुत बड़ा पौधा बना है, हम उस पर विश्वास ना करें, ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। तो इसलिए साथियों, मैंने तय करके आया था, मैंने आज जो भी हो मुझे जाना है, कोई नाराज हो खुश हो मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि मुझे जोड़ना है, मुझे जोड़ने के लिए लगाया हमारी नेता। हमको ये समझ है कि पूरे देश में हमारा इस बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो हमें पहले अपने घर को अगर हम नहीं जोड़ पाए और दूसरों को जोड़ने में लगे गए तो वो सफलता नहीं होगी। लोग कहेंगे ये तो यही बिखराव है, BJP जो रूल कर रही है तो BJP के जो कर्मचारी हैं, संगठन हैं, बिल्कुल चले जा रहे हैं, बिल्कुल उनका कहीं उनमें मतभेद दिखाई नहीं पड़ता, मनभेद दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ मतभेद भी है, मनभेद भी है, सभी भेद है। हमारे चौधरी साहब ने भी, हम जब लोग चाय पी रहे थे, बताया कि यहाँ पर एक हमारे बहुत सीनियर लीडर आए, कई बार उन्होंने, मतलब कई बार उनके सांसद रहे, जब उन्होंने यहाँ कदम रखा तो उन्होंने महसूस किया कि मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ कि SC ST के हमारे जो संघ का ये कार्यालय होगा, इतना बड़ा हाल होगा, उन्होंने महसूस। कारण पूछा गया कि साहब ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, तब उन्होंने बताया, कारण बताए, क्योंकि इसमें कभी एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं होता, एक दूसरे के प्रति खींचातानी बहुत रहती है और इसलिए कभी भी ये व्यवस्था नहीं बन पाती जो आप लोगों ने बनाई है। तो सबसे पहले इस सफलता के लिए, ये प्रसंग के लिए मैं साधुवाद देता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया आपके संघ ने ये व्यवस्था दी है, पूरे दिल्ली का दिल है कनाट प्लेस, और वहाँ पर ये आप लोगों ने सम्मान की जगह की है। मैं अपने तमाम नासमझ साथियों से कहना चाहता हूँ कि इनका सहयोग लीजिए, तन मन धन से आपको सहयोग। हमें कभी कभी बैठने को, मीटिंग करने को जगह नहीं मिलती, अगर कोई हम गुफ्तगू करना चाहें, डिस्कशन करना चाहें, तो कोई अच्छी जगह नहीं होती। जब ये हमारे समाज का, हमारे कर्मचारियों का, अगर हम इनसे कहेंगे तो हमारे लिए अवेलेबल हो सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं, तो हमारे लिए गर्व की बात हो। साथियों, ये एक हाथ से ताली नहीं बजा करती, आप ताली बजा रहे हैं और तालियों के लिए दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए क्यों तालियों की जरूरत पड़ती है, ये बीच में कहाँ कमी आई है,
तो मैंने एक बताया कि आपको, आप लोग बुनियाद के पत्थर हैं। जिन बामसेब के साथियों भरोसा किया गया और मूवमेंट उनके पूरा कंधों पर रहता है, उनके अंदर राजनीतिकरण हुआ, आपको सबको पता है। जिन पर भरोसा किया बहन कुमारी मायावती कि भाई ये आकर के पूरे स्टेट को संभालेगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट उसको पूरा करेगा, तो साथियों वो आप लोगों के सामने हैं। जो हमारा जो बामसेब के रूप में जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन था, मेरे ख्याल से 2-4 महीने के अंदर वो खत्म ही कर दिया। वो व्यक्तिगत तो बन गया लेकिन वो नहीं हो पाया। आज मेरे हाथ में बामसेब की तरफ नाम पर गांव के बराबर है कोई जगह। भाई आपके बिहार पर कह सकते हैं कि बामसेब के नाम पर सब लोग साथ हैं, सब तैयार हो, सारे तैयार हो। जब से हमारे नेता ने उस बीमारी को देखा, कमजोरी को देखा, उसको दूर करने का काम किया, तब से उनकी तरफ से प्रयास यही है कि बामसेब चलनी नहीं चाहिए। लेकिन हम भी चुनौतियों लेने वाले हैं, काशीराम साहब और बहन जी के शिष्य हैं, कि हम चुनौतियों से ही सामना करने वाले हैं, हमें कोई परवाह नहीं। उसी दिन से खोज लग गई कि हमारे जो भी कर्मचारी का अधिकारी है, अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं उनके घर घर जाऊँगा, अगर उनके गिले शिकवे हैं उनको दूर करूँगा, मैं उनको साथ जोड़ने के काम करूँगा, अपने से नहीं, अपने दल से, अपने संगठन से। साथियों इसमें जरूरत एक क्वालिटी होती है, और वो क्वालिटी कब होती है कि ये बहुजन समाज पार्टी एक मूवमेंट है, पार्टी है, और सीधे बाबा साहब के जहाँ इशारा किया तो उसकी तरफ बढ़ रही है बड़ी स्पीड के साथ। अब कोई कहीं शक शंका की गुंजाइश नहीं। तब इसके लिए हमको चाहिए 24 कैरेट का चाहिए, चाहे वो B1 हो, चाहे B2 हो, चाहे वो बामसेब का हो, चाहे वो हमारे समाज का कोई भी वर्ग हो, हमको 24 कैरेट वाला चाहिए, खड़ा वो सब बैठेगा। और जहाँ वो नकली होता है वहीं प्रॉब्लम होता है, हम सबके लिए बोल रहे हैं। तो साथियों 24 कैरेट का बनना है। मैं मानता हूं कि आपके अंदर भी वही धाराएं हैं, वही आपका रक्त की बहरा है जो बाबा साहब की उसमें था, वो हमारे सबके बीच में वही। लेकिन न जाने कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ फेस आ जाती है, लालच आगे आ जाता है, जिसकी वजह से मैं उस पर खड़ा नहीं उतर पाते। हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमें 24 कैरेट बनना है। हमारे संगठन में तमाम यूथों के संगठन, हमारे कर्मचारियों के तमाम संगठन, और वो कोई बात नहीं, एक गाड़ी है, मैं एक एग्जांपल के रूप में दे रहा हूँ कि एक बहुजन समाज पार्टी एक गाड़ी की तरह है। इसमें तमाम पार्ट्स हैं, इसमें नीचे ब्रेक भी हैं, इसमें इंजन भी है, इसमें स्टेप वो चलते हैं पहिए भी हैं, और स्टेयरिंग भी है, और सबके अपने अपने सब इम्पोर्टेंट होती है। अगर पहिया नहीं है तब भी गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन सबकी कोशिश, जितने भी पार्ट लगे हैं तो उसके पार्ट की कोशिश ये नहीं होती कि स्टेयरिंग मेरे हाथ में रहे। क्यों भाई, पहिया क्या चाहता है कि मेरे हिसाब से चले, स्टेयरिंग जैसा चाहता है उसके अकॉर्डिंग एक ही डिसिप्लिन होगा, और डिसिप्लिन स्टेयरिंग की चलती है, जरूरत पड़ती है ब्रेक भी लगते हैं। तो ये जरूरी है। आप जो देख रहा हूँ तमाम लोगों के अपने बना ली संगठन, वो नेता तो स्टेयरिंग अपने हाथ में लेना चाहता है। तो साथियों सबसे बड़ी इस गाड़ी का सबसे बड़ा जो ड्राइवर, सबसे बड़ा पायलट जिसके हाथ में स्टीयरिंग है, वो बहन कुमारी मायावती जी हैं। इनके अलावा दूसरा कोई उसके हाथ में नहीं देने वाले। तो पहले हमें इस पर भरोसा करना पड़ेगा। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि इसकी कमी को दूर करेंगे। जो बामसेब का रोल है, अभी जैसे भाई ने कहा कि हम सब साथ तैयार हैं, आप हमारे ऊपर भरोसा करना चाहिए, हमारे ऊपर उत्तरदायित्व सौंपना चाहिए। मैं आपके बीच में आया हूँ, अगर आप आगे बढ़ के एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हम और हमारी पार्टी आपके साथ 2 कदम आगे साथ मिलने को तैयार है। मैं समझता हूँ, मैं बामसेब करा, जो आपने समस्याएं बताई हैं, जो हमारे न समझ साथी जो नहीं समझ साथी है, दूर का नहीं सोच पाते, वो इस तरह से सोचते हैं कि भाई ये प्रसंग चला रहे हैं, एक कर्मचारी हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, इनके पूछे तमाम सर्विस रूल कंडक्ट लागू होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए और जब उनकी समस्याएं होती हैं उनके निवारण के लिए भी वो अपनी तरह से एफर्ट्स करते हैं, तो उनके साथ जाना पड़ सकता है। तो हमें इसकी कोई शिकायत नहीं है। आप जा सकते हैं अपने संगठन के कर्मचारियों के अधिकारियों के हितों के लिए, उनके संरक्षण के लिए काम कर सकते हैं, हमें शक नहीं करना। आपको देखा होगा कि आपकी पत्नी दूसरे दफ्तरों में जाती है, एक रिश्तों की बात करता हूँ कि किस तरीके से रिश्ते की बुनियाद होनी चाहिए, और बुनियाद होती है भरोसा की, विश्वास की। उस याद विश्वास की बुनियाद पर जो भी रिश्ता खड़ा होता है वो मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, उसे कोई भी हिला नहीं सकता। आपकी पत्नी जब मार्केट भी जाती है, आपकी पत्नी दफ्तर में जाती है, कहीं भी जाती है, आपको भरोसा, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जब वो दूसरों के साथ चली जाती है, आपका भरोसा टूटता है, वही दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह का हमारे साथियों का, हमारा भी और आपका भी तरफ से इस तरीके से भरोसा नहीं टूटना चाहिए कि भाई हमारा कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है साथी। तो ये मिलकर के काम करेंगे और मुझे उम्मीद है जब आप जैसे लोग खड़े हो जाएंगे, साथ खड़े हो जाएंगे, ये आपकी पार्टी है, ये आपका आंदोलन है, तो मैं समझता हूँ किसी भी आरएसएस की बस की बात नहीं। एक दौर था जब संघ के कैंपस में जाकर के चर्चा होती, जब मानवर साहब मौजूद थे और जब भी बाम से पूरा कैडराइज के रूप में चलता था, अनुशासन चलता था, तो वो समय भी संघ के अंदर चर्चा होती थी कि अगर अनुशासन सीखना है तो बाम से पैसराम साहब के बाम से सीखो। वो चीज़ उस समय चर्चा थी, लेकिन हमने लोगों ने वो चीज़ खोई, उन्होंने स्वीकार कर ली। वो आज वहाँ चल रहा है उनके अंदर बूथ टू बूथ जा रहे हैं, बूथ टू बूथ जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, उनकी पार्टी का उनके महापुरुषों को संदेश दे रहे हैं। लेकिन हमने हमारे महापुरुषों के संदेश के लिए हम कोई प्रोग्राम तय नहीं कर रहे, नहीं कर पा रहे। तो साथियों, हमको इसको करना होगा, आपस में इस तरीके से विश्वास की नींव कायम करनी है, इस तरीके से प्रेम के भाईचारे के साथ कायम करना है, रास्ता तय बनाना है। जिस तरीके से मैं दो लाइनें कहेंगे किसी कवि की, जिससे आप लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे मुफीद साबित होगी, कि दोनों पक्षों की तरफ से मैं एक बाम से B1 B2 की बात कर रहा हूँ। खैर खून खांसी खुशी, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, और ये चारों न दावे न दबे जानत सकल जहान। अगर आपके अंदर खांसी है तो कहीं ना कहीं एक बार आई जाएगी, जब बिस्तर में जाते जाते आप खांसेंगे छपेगी नहीं। खून यदि आपने किसी का किया, गलत किया है, तो चाहे कितना ही बड़ा कातिल हो, वो छुपता नहीं है, वो पकड़ में आ जाता है। खैर खांस और खुशी, अगर घर में आप कुछ भी सेलिब्रेशन करेंगे, पड़ोस को पता चल जाता है कितना ही छुपा है, और बैर दुश्मनी को भी तुरंत पता चल जाता है। जान सकल जहान, ये चारों को कितना ही प्रयास किया जाए दबाने के लिए, छुपता नहीं। तो साथियों, हमको इस तरीके से चलना है कि हमारे ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, हमें दिखाई देना चाहिए कि सामने वाले हमारे साथी हमारे साथ खड़े, हमें विश्वास करना पड़ेगा। अगर वो कल जा कर के अपनी यूनियन के काम से अगर कोई काम करते हैं, तो हमको ये नहीं है कि वो तो बहुत बिक गया, वो तो गड़बड़ हो गया। इस तरीके से अविश्वास जब कायम करते हैं तो दिक्कतें होती हैं, रिश्ते टूटते हैं। हम लोग रिश्ते बनाने के लिए आए हैं। ये बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली का नेतृत्व, दिल्ली का जो प्रभारी के रूप में मेरे हाथ में है, मेरे के अंदर बामसेप भी है और BSP भी है और DS4 का भी अंश है, मैं सबको संभाल सकता हूँ। हमारे जो नौजवान साथी हैं, इनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी में आप लोगों को बहुत अच्छा मौका दिया जाए, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। 50% का रिजर्वेशन आपके लिए कर दिया है पार्टी ने, कि आप जो भी अब पद आगे बढ़ेंगे, सृजित किए जाएंगे, उसमें 50% युवाओं को दिया जाएगा। फिर कौन सी कमी है भाई, क्या चाहते हैं? मौका दिया गया, हम जैसे लोग आज 57-58 साल की उम्र पर आ गए और हमने 18 साल से काम शुरू कर दिया DS4 में, कितना समय हो गया, 36-37 साल। लेकिन उस जगह पर हम जैसे लोग मुझे हुए नहीं पहुंच पाए, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने युवाओं को संतुष्टि देने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए, एक युवा जो 30-35 साल का भी नहीं होगा उसको वहां पर बोलो जी पहुंचाने का काम किया, या आगे नहीं किया, लेकिन क्या हुआ, वो जितने तेजी से गए उससे ज़्यादा तेजी से नीचे आके दड़ाम हुए। अनुभव की भी जरूरत होती है, एक्सपीरियंस की भी जरूरत होती है, मौका दिया जा रहा है। थोड़ा सा भी अगर कुछ बात होती है तो नया अपना दल बना करके तमाम सोशल मीडिया में हम देखते रहते हैं। साथियों, चुनौती बहुत बड़ी है, हम लोगों को मिलकर संघर्ष, महापुरुषों के जो आंदोलन को बचाने के लिए मिलकर संघर्ष करना है। हमारी महिलाएं जो आदि आबादी हैं, हमारे तमाम नेता, तमाम अधिकारी सब बहुत भाषण देते हैं, बाबा साहब को सुनाते हैं, महापुरुषों को सुनाते हैं, लेकिन उनके साथ वो भी कभी साथ लेके नहीं चल पा रहे, वो भी कोशिश नहीं करते कि उनको भी इन्वॉल्वेशन हो। अब हमारे बीच में दो महत्व शक्ति बैठी आना चाहिए, और इसके अलावा हम रोज प्रोग्राम को मीटिंग करते हैं, उसमें भी उनकी संख्या उतनी नहीं दिखाई पड़ती जितनी दूसरे दलों में उनकी महिलाओं की संख्या दिखाई पड़ती है। ये कहीं ना कहीं कमजोरी है, नहीं है, हमें इसको मिलकर दूर करना है। अगर उनको हम दूर रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटियां उनके चक्कर में आ जाती। 2014 में यही हुआ। तो साथियों, मैं आप सबसे अपील करता हूं कि ये बहुत बुनियादी लड़ाई है, ये संघर्ष आ गया। जो भी सपने आप लोगों ने, हम सब ने मिलकर देखे, चाहे वो नोट पर बाबा साहब की तस्वीर का मामला हो,
चाहे वो रिजर्वेशन को लेके हो, चाहे राजपाट का मामला हो, चाहे वो धन धरती का मामला हो, चाहे सेल्फ रेस्पेक्ट का मामला हो, तो हमको सबको ये बहुत हमारे लिए इशूज हैं जो अब तक वो बुनियादी जो हमारे हल समस्याएं हो सकती थी अभी तक नहीं हल हुई हैं। अगर हल हो गई होती तो शायद पार्टी बनाने की चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही आप सभी वाकिफ हैं, बेशक आपको बहुत बड़ा पोस्ट मिल गया हो, बेशक आपकी सैलरी 1,00,000 से 5,00,000 तक हो, लेकिन वहाँ आप भी जूझ रहे हैं जो आपको हक मिलना चाहिए, जो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपको वो टच जरूर होती है। वो लड़ाई बड़ी बाकी है, उस लड़ाई को अकेले हम लोग नहीं लड़ सकते, उस लड़ाई को हम लोग सब मिलकर लड़ पाए। हमारा कोई भी पार्ट से निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए, सबको सक्रिय में होना चाहिए। ये आंदोलन में आने वाला 2019 का आ रहा है, इसमें चाहे मत शक्ति हो, चाहे युवा शक्ति हो, चाहे हमारे कर्मचारी अधिकारी की शक्ति हो, और चाहे वो बहुजन समाज की शक्ति हो, उनको सबको मिल करके एकजुट होकर के ताकत दिखाना है, जिससे कि बहन कुमारी मायावती जी को कम से कम उनको संभालने के लिए, जो तमाम दूसरे दल के लोग, दूसरे समाज के लोग बहन जी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए आ रहे हैं, वो उनके उनको काम है, उनको संभालें, लेकिन हम लोग कम से कम संभलते हुए दिखाई देने चाहिए कि हम सब बहन जी के साथ खड़े हैं। तो साथियों, आपकी लड़ाई जीतेंगे, बाबा साहब का सपना साकार करेंगे। मोदी जी का मैं चूंकि राजनीतिक भाषण भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी बातें थी, वही रखना चाहूंगा। तो वो सारी चीज़ें जो उनके जो बोले थे वो नहीं कुछ कर पाए, तमाम बातें होती हैं। जब हमारे साथ रिजर्वेशन का मैटर होता है मोदी जी चुप रहते हैं, रोहित बोबुला का कांड होता है मोदी जी चुप रहते हैं, चाहे वो माफ लिंचिंग का मामला हो मोदी जी चुप रहते हैं, चाहे वो मुसलमानों के साथ हो, पिछड़ों के साथ हो, हमारे दलितों के साथ हो, मोदी जी की चुप्पी नहीं खुलती, कभी बोल चुप ही रहते हैं। तो साथियों, ये क्या है, आप देश चला रहे हैं, आप कोई जागीर नहीं चला रहे हैं, इस देश के संविधान से ये देश चलता है, उससे सरकार चला रहे हैं, उससे चलानी पड़ेगी। लेकिन उनकी शपथ तो लेते हैं, लेकिन संविधान को फिर नागपुर वाला चलाते हैं, मनु के संविधान से देश को चलाना चाहते हैं। यही लड़ाई है, और जिस दिन ये लड़ाई हम लोगों ने जीत ली और हमने जो रास्ता बनाया, हमारे महापुरुषों ने, मानवर कांशीराम साहब ने जो रास्ता दिया है, इसी ट्रैक पर चल करके वो लड़ाई हम जीत सकते हैं, दुश्मनों को परास्त कर सकते हैं, इस देश को गांधीवाद से मुक्त करा सकते हैं, अम्बेडकरवाद पूरे देश में ले सकते। बाकी इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं तमाम साथियों का, हमारे मीडिया के, इनके सामने भी चुनौती है, क्योंकि इस मीडिया ने पूरी तरह से आज भी बहन कुमारी मायावती जी को प्रेस पीसी करके कहना पड़ा, क्योंकि ये मीडिया हमारे पीछे पड़े, कुछ भी होता, हमारी पार्टी और पार्टियों से अपने आप को भिन्न पृथक है, उन पार्टियों में जो हो सकती है परिवारवाद हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ कुछ भी होता है तो हमको उसमें लपेटने की कोशिश करती है। बहन जी ने आज उसको काउंटर किया, लेकिन साथियों, हम तो मीडिया नहीं है, तो हम तो अपने माइक से और जनता के बीच में उसको काउंटर करते आए हैं और करते रहेंगे, लेकिन आज हमारे नौजवान साथियों ने आज मीडिया को अपना प्रोफेशन बनाया है। अगर मीडिया नहीं है तो सोशल मीडिया सही, मीडिया का जवाब सोशल मीडिया हमारा देगा, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। और जब हम पावर में आएंगे, सरकार में आएंगे, तो जो बड़े बड़े जो वो सैटेलाइट लिए बैठे हैं, इनमें रिजर्वेशन देखा, इसमें कहाँ से अरबों खरबों रुपए का एक सैटेलाइट मिलता, एक स्टूडियो बनाने में एक छोटा सा एंकर आता है जिसकी 10-20-50,000-1,00,000 तनख्वाह होगी, लेकिन वो 10 साल के अंदर वो अपना बहुत बड़ा पैर खड़ा कर लेता, अरब खरबपति हो जाता, कहाँ से आता है उसकी कोई हिसाब नहीं लेता। तो साथियों, आप लोगों ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे इस प्रोफेशन को चुने हैं, आपका भविष्य उज्ज्वल है। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार आने दीजिए, देश में बाबा का साहब का शासन आने दीजिए, ये आप लोगों की सेटल उसमें करेंगे, आप लोग भी स्टूडियो के मालिक होंगे, आप लोग भी सेटेलाइट के मालिक होंगे, विश्वास रखना पड़े, धैर्य रखना पड़ेगा। लंबा सफर हमने तय किया है, हमारी टिकट है, हमें कोई चिंता नहीं, हमें टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए एलिजिबल हूँ, हम हाउस में बोले, जो भी मुझे मौका मिला बहुत कुछ बोला, लेकिन हमने कभी भी एक अच्छा कार्यकर्ता बनने में अपने को सौभाग्यशाली माना। हमें MP MLA मंत्री बनने से कोई मतलब नहीं है, ये तो हाई कमांड का विषय है, हमारी भक्ति में कमी नहीं आनी चाहिए, शक्ति देना उनका काम। तो साथियों, अगर टिकट नहीं मिली तो रूठ गए, पद नहीं मिला तो रूठ गए, छूट गए, रूठ गए, टूट गए, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। तो साथियों, जो भी मुझे हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने जो भी जिम्मेदारी जहाँ भी दी, हमने उसको बखूबी निभाने का काम किया है, यही मेरा संकल्प है, यही मैं चाहता हूँ, यही एक आइडियल हो सकता है, यही हमारा सूत्र हो सकता है, मंत्र हो सकता है, जिसको सभी के लिए ज़रूरत है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस मूवमेंट में जहाँ पर भी आपको फिट किया जाए, आप लोग वहाँ फिट हो जाएँ,
और ये बहुजन समाज पार्टी रोज बड़ी आसानी से पार्टी नहीं बनती है, बड़ी मुश्किल से बनती है। तो इसलिए साथियों, ये आप इस पार्टी के साथ खड़े हों, ये पार्टी आपकी है, इसको आगे बढ़ाएं। तन मन धन से आपके सहयोग की ज़रूरत है। मैं आपके बीच में आऊँगा। बहन कुमारी मायावती जी का जो जन कल्याणकारी दिवस के रूप में जो बनाया जा रहा है, तो उसमें आपकी तरफ से भी कुछ सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि जिन साथियों पे भरोसा किया था उन साथियों ने हाथ खड़े कर दिए। कहा गया था रजिस्टर भी लिए, सब काम लिए, लेकिन वहाँ से उन्होंने कोई रेस्पॉन्स ठीक से नहीं दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तरफ से, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है, इलेक्शन तुरंत आगे इलेक्शन खड़ा है, तो इसलिए बहन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आप लोग बिल्कुल दिल खोल करके जो भी आप कर सकते हैं। मैं चौधरी साहब का धन्यवाद करता हूं, तमाम पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। आप लोग कभी भी ये संकोच ना करें, आप ये मान के चलिए कि आप अपने संगठन के भी हैं और आप बीएसपी के प्रभारी भी हैं। मैं अपना प्रभार जो भी शक्ति आप सब में बांट करके जाना चाहता हूं कि आप लोग गर्व महसूस करें कि हमको भी अधिकार है इस एक हिस्सा बनने का, इस आंदोलन का हिस्सा बनने का। मैं आपको सबको अधिकार देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।